Look around. इंडिया में एनिमे का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और काफी सारे टीवी चैनल्स इसका हिंदी डब लाने पे मजबूर हो चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसी एनिमे, अगर आपने बिल्कुल शुरू किया है या आप करने ही जा रहे हो तो वो ये एनिमेज आप देखना, बिगिनर्स के लिए बेस्ट एनिमे रहेगी। और पहली चीज, कॉन्ग्रेचुलेशन यार आप लोगों को जो एनिमे देखना आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी आपने किसी बंदे से, किसी दोस्त से पूछा होगा कि यार भाई बता दे यार कौन सी एनिमे देखूं मैं, तो सबका मतलब 99% लोगों का जवाब एक ही एनिमे का आता है जिसका नाम है डेथ नोट। और हो भी क्यों ना यार, इतनी तगड़ी एनिमे, सस्पेंस से भरी, ट्विस्ट से भरी, और दिमाग जो हमारे मेन करेक्टर्स का दिमाग है, जो दो बेस्ट करेक्टर्स हैं ये एनिमे का प्लॉट कुछ ये है कि एक बंदे को मिल जाती है एक नोटबुक जिसमें अगर आप नाम लिखोगे तो वो बंदा मर जाएगा, हार्ट अटैक या कैसे भी, सब कुछ आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा यार। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है ये। स्टार्टिंग करनी है इस एनिमे से कर सकते हो, एक बहुत तगड़ी सस्पेंस थ्रिलर एक्शन एनिमे है। अगर आपको कॉमेडी एनिमेस चाहिए तो दो एनिमे बताता हूँ। सबसे पहली है वन पंच मैन। वन पंच मैन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है कॉमेडी की। पहला एपिसोड पहले सीजन का थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर जो आगे इसका पहले एपिसोड के बाद जो मस्त भाई मचती है वो क्या बताऊं। प्लॉट कुछ ये है कि जो हमारा मेन हीरो है वो एक मुक्के में किसी भी बंदे को हरा देता है, किसी भी विलन को हरा देता है। तो वो इस चीज़ से परेशान है यार, कोई तो टफ सा बंदा है। तो ये सब कुछ आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनिमे है ये। इसके दो सीजन है, तीसरा सीजन जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, उसका रिव्यू भी आ जाएगा मेरे चैनल पर। और 12 एपिसोड है। तो बढ़ते हैं अगले एनिमे। अगर आपको कॉमेडी, आपको हंसना है, जी फाड़ के हंसना है, साथ में एडल्ट सीन्स भी पसंद हैं, तो ये ग्रैंड ब्लू आप ही के लिए है। एनिमे के मात्र 12 एपिसोड है, मतलब इस एनिमे को अगर आपने देख लिया तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। एनिमे का जो अलग, मतलब जापान का कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। मतलब इस एनिमे को आप देखोगे तो आपको अलग ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता लगेगा, क्या कुछ हो सकता है, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, क्या ही दुनिया हो सकती है ऐसी। अब बताता हूँ एक हॉरर एनिमे। मात्र 12 एपिसोड और ये 12 एपिसोड सस्पेंसफुल, प्लस आपको पता करना है यार ये हॉरर हो कैसे रही है, मतलब इसमें भूत है कौन। जो आप समझोगे वो भूत होगा नहीं, और जो नहीं समझोगे वो होगा। भूत एक नंबर का दिखाया हुआ है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इस एनिमे को, पर 12 एपिसोड है और वर्थ वॉचिंग बना देता है जब ये ख़त्म होती है। जब से इसके अंदर मौतें शुरू होती हैं होना, आपको वहीं से इसका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। 12 एपिसोड मस्त देखो। बढ़ते हैं अगले एनिमे की तरफ। अब आते हैं एक शोनन कैटेगरी पे। शोनन कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, मतलब इसके अंदर हीरोज़ जो हैं वो चलते रहते हैं, मतलब एपिसोड्स के खींचते रहते हैं, बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो इसकी कुछ एनिमे हैं ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस और ब्लीच। पूरी डिटेल वीडियो इसकी अलग बनानी पड़ेगी और वो जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन जरूर से जरूर ऑन कर देना, वो भी देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं एक रोमांटिक एनिमे। रोमांटिक एनिमे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती हैं, और ये एनिमे सीरीज ना होकर एक मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी, योर नेम। हिंदी में भी अवेलेबल है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और इसका रोमांस कुछ नॉर्मल रोमांस ना होकर एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देता है इसके रोमांस को। एनिमेशंस के साथ साथ आपको इन दोनों करेक्टर को फील कर लोगे आप, इतनी तगड़ी इसमें एनिमे फील है। ट्विस्ट जो आता है, जो इंटरवल से बिल्कुल पहले जो ट्विस्ट आता है, वो आपको पागल कर देगा कि भाई ये हो क्या रहा है। टाइम ट्रेवल भी है, साईफाई भी है, थोड़ा सा सुपरनेचुरल भी है, फैंटेसी भी है, पर इमेजिनेशन डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा सही है। ये एनिमे जरूर से ज़रूर देखना है, और इस एनिमे को छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता। अब टॉप 3 एनिमे कैटेगरी से पहले यारो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है तो करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो जो अगली कैटेगरी होने वाली है वो है स्पोर्ट्स, यानी कि हाइक्यू इस एनिमे का नाम है। वॉलीबॉल, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वॉलीबॉल के क्या रूल्स होते हैं, क्या कुछ करते हैं हमारे
करेक्टर्स, हमारे प्लेयर्स कितने प्लेयर होते हैं, सब कुछ ये एनीमे आपको बताएगी कि असली वॉलीबॉल क्या होता है। इतना फील करोगे ना आप इस वॉलीबॉल को, मतलब एक बंदा जो कि 5'4" का है, वो वॉलीबॉल जिसमें हाइट की सबसे ज़्यादा नीड होती है, वो उसमें जाता है और क्या कुछ करता है वो, मतलब उसकी स्पीड वगैरह आपको देखने में मज़ा ही आ जाएगा। और चारों सीज़न वर्थ वॉच है, पांचवा सीज़न भी जो फाइनल सीज़न होने वाला है वो भी अगले साल आने वाला है। नेक्स्ट, एक्शन प्लस डीमन, डीमन स्लेयर। ना भाई ये एनिमे इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि क्या बताऊँ, इसके सीन्स इतने तगड़े हैं, इसकी जो एंडिंग है वो इतने तगड़े है, इसके एनिमेशन पे पूरा बजट अपना लगा दिया है, पूरा मस्त एनिमे है। इसकी मांगा बहुत ज़्यादा तगड़ी है और जो आगे के सीज़न जो कि अगले साल ये आएगा वो वन ऑफ द बेस्ट सीज़न होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमेस। ये एनिमे एक वर्थ वॉच एनिमे बन जाती है जब आपको फील करने लगोगे आप इस करेक्टर को, जब ये बंदा हमारा मेन करेक्टर तांजिरो कैसे कैसे डीमंस को मारता है और उसके साथ क्या होता है, ये सब कुछ आप फील करोगे। इस एनिमे को बिल्कुल मत छोड़ना, ये एनिमे सबसे पहले देखना चाहे तो, जो कि सबसे बेस्ट कैटेगरी है। ये शायद इतनी पॉपुलर कैटेगरी है कि शायद हर बंदा इसको देखना चाहता है। इस कैटेगरी का नाम है इची। इची का मतलब होता है अडल्ट सीन्स, अडल्ट ही सब कुछ होगा। पर क्या मज़ा नहीं आ जाए जब हमें एक ही एनिमे में सारी चीज़ें मिले। इस एनिमे का नाम है हाई स्कूल DxD। 4 सीज़न 12-12 एपिसोड के और चारों सीज़न मतलब कमाल, चारों के चारों सीज़न इची एनिमे तो है ही, साथ ही में एक्शन, स्टोरी, गेमिंग, साइफाई, हर कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है। लूसीफर वगैरह के बारे में भी इसके अंदर जिक्र है, साथ ही में जो हमारे को चाहिए जो सीन्स होते हैं, इची सीन्स, शायद इससे ऊपर कोई एनिमे हो ही नहीं सकती मेरे भी लिस्ट में। चाहे मैंने इतनी सारी एनिमे देख रखी हो पर ये मेरी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। टॉप शोनन एनिमेज के लिए और भी एनिमे की वीडियो के लिए, मूवीज़ के लिए, सीरीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यारो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।